प्यारे बच्चों, पहले एपिसोड में हमने देखा था कि पास के जंगल से आया हेरा किस तरह कीचड़ में फंस जाता है और फिर जेरा उसे बचाता है। यहीं पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद दोनों पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं। हेरा को जेरा के साथ मस्ती करने की सोचती है, जिसकी वजह से जेरा नदी में फंस जाता है। हेरा को लगता है कि जेरा भी उसके साथ मस्ती कर रहा है, जबकि जेरा सच में ही मुसीबत में था और नदी की रेत में फंस चुका था। अब देखते हैं किस तरह जेरा नदी से बचकर निकल पाता है। हेरा, अगर तुम इसे मेरी मस्ती ही समझ रहे हो तो मैं निश्चित ही डूब जाऊंगा। जल्दी करो, किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ। आसपास हाथी दादा घूम रहे हो तो उन्हें बुला लाओ। एक वो ही है जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। अब बहुत हुआ जरा, बाहर आ भी जाओ वरना मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊंगा। और वैसे भी अब शाम हो गई है और घर पर माँ देख रही होगी मेरी राह। अगर थोड़ी देर में मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरी क्लास लग जाएगी, और अगर शेरा आ गया तो मैं कभी घर ही नहीं जा पाऊंगा। मेरी माँ रो रो कर पागल हो जाएगी। अब तो मुझे डर लगने लगा है। मैं कान पकड़ पकड़ कर माफी मांगता हूँ। कभी भी तुम्हारे साथ मस्ती नहीं करूँगा। अब तुम प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। हेरा, लगता है तुम समझने के मूड में नहीं हो, और मेरा समय पास आ गया है ऐसा मुझे लग रहा है। मैं समझ गया, तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। मैं तो चला जेरा, रात होने वाली है, मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है, सो पहुंचने में भी समय लगेगा। बाय बाय जेरा, कल फिर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जेरा हेरा को जाते हुए देखता है और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि कोई उसे बचा ले। दूसरी ओर हेरा सोचता है कि मैं पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ, जैसे ही जेरा नदी से बाहर आएगा वैसे ही मैं उसके सामने आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ साथ घर चले जाएंगे। फिर हेरा सोचता है, पेड़ के पीछे छिपे हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन ये जेरा अभी तक नदी से बाहर नहीं आया। अरे ये क्या, जेरा तो डूबता जा रहा है, वो तो सच में नदी में फंस गया है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हेरा दौड़कर नदी किनारे पहुंचता है। जेरा, तुम तो सच में फंस गए हो, तुम रुको मैं भागकर जाता हूँ, और हाथी दादा अगर मुझे मिल जाते हैं तो उन्हें तुरंत लेकर आता हूँ। तुम ज्यादा हिलना नहीं वरना तुम और गहरे फंस जाओगे। जल्दी करो हेरा, जल्दी करो, जाकर देखो कहीं आसपास हाथी दादा होंगे तो उन्हें जल्दी लेकर आओ। हाँ दोस्त, मैं अभी जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ऐसा कहकर हेरा दौड़ते हुए चला जाता है। हाथी दादा को सभी जगह ढूंढता है, लेकिन हाथी दादा का कहीं कोई पता नहीं था। जब हेरा हाथी दादा को ढूंढते हुए थक जाता है तो वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोने लगता है और सोचता है, हे भगवान, आज मेरी वजह से जेरा मुसीबत में फंस गया है, मुझे उसके साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए थी, वो कितना अच्छा है, बिना जान पहचान के उसने मेरी जान बचाई, और मैंने जान पहचान होकर मेरे दोस्तों को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया कि उसकी जान तक जा सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मुझे मेरे दोस्त की जान बचानी चाहिए, मुझे सोच सोच कर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक पल बहुत कीमती है। अरे वो कौन जा रहा है, ये तो कोई किसान बाबा लगते हैं,
इनसे जाकर पूछता हूँ, इन्होंने हाथी दादा को कहीं देखा है क्या? बाबा बाबा। हाँ क्या बात है, कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? मेरा दोस्त जरा नदी में फंस गया, उसी की सहायता के लिए मैं हाथी दादा को ढूंढ रहा था। क्या आपने हाथी दादा को देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में बाबा? अगर ऐसा है तो जल्दी करो, वरना मेरा दोस्त डूब जाएगा। हाँ चलते हैं, मेरे पास एक रस्सी है, तुम उसे लेकर जल्दी पहुँचो। मैं ज़्यादा तेज नहीं चल पाऊँगा, मेरे वहाँ तक पहुँचने में देर हो सकती है। तब तक तुम रस्सी लेकर जाओ, अपने दोस्त की कोई मदद करो, पीछे से मैं भी आता हूँ। ठीक है बाबा। कहाँ है रस्सी? वो सामने वाले पेड़ पर लटकी हुई है, ले जाओ जल्दी। प्यारे बच्चों, हेरा रस्सी लेकर दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचता है। वहां जाकर वह देखता है कि जरा मुश्किल से सांस ले पा रहा है। तब हेरा जरा से बोलता है, मैं रस्सी लेकर आया हूँ, ये इतनी लंबी है कि पेड़ से बांधकर भी ये तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगी। मैं इसे पेड़ से बांधकर रस्सी का दूसरा सिरा तुम्हारे पास लाता हूँ, इसे पकड़कर तुम गड्ढे से बाहर आ सकते हो। जरा बच्चों, जरा पानी में लगभग डूब ही चुका था, इसलिए वो अब हेरा की बातों का ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। हेरा रस्सी का एक सिरा पेड़ में बांध देता है और दूसरा सिरा जरा के पास लेकर पहुंचता है। जरा अपने मुंह से रस्सी को जोर से पकड़ लेता है और उसके सहारे बाहर आने लगता है। काफी देर मशक्कत करने के बाद जरा बाहर आ जाता है। अब आगे के एपिसोड में देखेंगे जरा इस बात के लिए हेरा को क्या कहता है। अगला एपिसोड देखना ना भूलें। सभी एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।